डेमोग्राफिक के प्रोफाइल के बारे में हमें आइडिया नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप इस लोकेलिटी के अंदर एसेट क्या है या टेंजिबल क्या इंटेंजिबल क्या है और कितने साल पुराना, ऐसे क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे के अपने बारे में थोड़ी बहुत हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम बाद में एनालिसिस करते वक्त में भी हमें शायद ये चाहेगा कि एज वाइज हम देखेंगे क्या यंगर एज ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं या चित्र या ओल्ड एज के, या इस तरह में भी अगर हमें डेटा एनालिसिस की बाद में नीड हो तो हम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो इशू हमें ये लगा कि क्वेश्चन कुछ लेंथी है, चूँकि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे अगर हम क्वालिटेटिव डेटा पे चले जाते तो क्वेश्चन जितने लेंथी होंगे और रिस्पोंडेंट इतना बोर होगा, तो रिस्पोंडेंट जब बोर होगा तो शायद वो उस तरह एंड तक हम भी शायद प्रॉपर आंसर शायद हमें ना दे दें, बीच में आके बोर हो जाएगा, फिर वो चाहेगा बस क्वेश्चन इतना लंबा है तो कौन आंसर दे देगा, और टाइम में भी वो हम इतना ना दे दें तो बीच में आके ये ना कह गया हम चले जाएँगे। तो क्वेश्चन लेंथी होने के साथ साथ ओपन एंडेड है तो उसके लिए स्पेस भी बड़ा लिमिटेड था, बस पता ना कि जब हम क्वालिटेटिव पूछ रहे तो फिर बाज लोग अगर वो हमें टाइम देते हैं एक्चुअली तो वो मैक्सिमम बातें बताना चाह रहे हैं, तो मे भी वो बात जो हमें चाहिए वो अपने डिस्कशन के दौरान करते हुए 10 मिनट बाद शायद वो आंसर हमें मिल जाए जो हम चाह रहे हैं, तो वो बातें फिर हमें लाइक थोड़ा सा स्पेस भी उस हिसाब से चाहिए कि वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, डेट राउंड जब हम इसके एनालिसिस पर चले जाएंगे तो वो कोडिंग करेंगे, जिस तरह हम क्वालिटेटिव डेटा को लेते तो वहाँ से हम ये चीज़ें इनफर कर सकते हैं, तो इस सेंस से भी थोड़ा सा ये लेंथी और इस तरह की चीज़ें हमें देखने में आई। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि कुछ ये स्पेशल जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन ईयर था उसके अंदर लाइक हमें ये फील हुआ कि हमें कैलेंडर बजाय कि हम उस पर ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि हाँ आपके कैलेंडर क्या है उसका सीजनल कैलेंडर स्पेशली, तो सीजनल कैलेंडर के बजाय हम इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लें, हम पहले से कोई फॉर्मेट बना लें कि लेट्स से कि ये सीजन्स ऑलरेडी है और इस सीज़न के अंदर किस मंथ के अंदर आप ये फेस्टिवल या रिचुअल ये सेलिब्रेट करते हैं, और या अगर आप एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं तो किस मंथ में आप स्टार्ट करते हैं, किस मंथ या सीज़न में जाके एंड कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें कम टाइम पे हम जो चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन शायद हमें मिल जाए। अदरवाइज़ अगर हम रिस्पोंडेंट खुद कैलेंडर बनाने पर बैठ जाए तो वो एक टेबल बनाएगा, मंथ्स बना लेगा, वो इस तरह की थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो उसको में भी हम पहले से कोई फॉर्मेट के अंदर वो क्वेश्चंस डालें तो उससे हमें आसानी हो जाती है और क्वेश्चन शॉर्ट भी हो जाता है और टाइम भी कम लग जाता है। एंड देन कुछ अगर क्वेश्चन है जहाँ पे भी जिस तरह कैलेंडर की बात की और भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें बजाय ओपन एंडेड छोड़ दें, क्योंकि हम अगर क्लोज फॉर्मेट में डाल दें तो शायद टाइम का हमें वो हो जाता है, बचत हो जाती है। अच्छा, कुछ चीज़ें हमें शायद कॉन्टेक्चुअली भी देखना है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने जिस पे काफ़ी डिबेट की है वो ये था कि ना एक क्वेश्चन था कि हाउ डू यू प्रेडिक्ट सीजन था, तो सीजन की प्रेडिक्शन में भी वो शायद अंडरस्टैंडिंग उस तरह ना हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरे नॉलेज इतनी पुरानी या इतनी ज़्यादा मैं हेरिटेज या कल्चर के बारे में नहीं जानता तो मुझे एक इमीजिएट इस क्वेश्चन का समझ ये आता है कि सीजन को फॉरकास्ट में कैसे कर सकते, वो तो पहले से प्री डिफाइन है, जैसे कि स्प्रिंग कब से स्टार्ट होता है या आटम या विंटर, लेकिन जब इस क्वेश्चन के मेरे ख्याल में पर्पज़ ये था कि जो लोग कल्चर वाइज या जिस रीजन के रहते तो पुराने दौर में लोग डिफरेंट स्टाइल से या एंगल से प्रेडिक्शन किया करते थे, फॉर एग्जांपल वो सूरज कहाँ से निकलता है और टाइमिंग कब होती है उस हिसाब से वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल करते थे, उस पे उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाने में हमें मे भी कुछ कंटेक्चुअल चीज़ें बता दे या उस क्वेश्चन को कोई ऐसा रीफ्रेम कर ले कि जिससे जो हम चाह रहे वो बात शायद निकल आ जाए उनसे, इसको भी हमें देखना। फिर तीसरी चीज़ ये थी कि कुछ क्वेश्चन लाइक ऐसे भी है कि बहुत सारे जो कि हमारे रेस्पोंडेंट वो ओल्ड एज के भी होंगे या उनके पास एजुकेशन इतनी नहीं होगी लेकिन वो नॉलेज बहुत सारे रखते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम ये क्वेश्चन लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश के साथ साथ उसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन या अगर लोकल लैंग्वेज में अगर हम लिख सकते हैं तो वो खुद भी पढ़ के जो चीज़ें शायद जो इंटरव्यूअर है वो न समझा सके तो खुद ही पढ़ के समझ और जो एक्चुअल डाटा हमें चाहिए वो शायद हमसे आ जाए, तो इसके अलावा तो ये कुछ हमारे मेजर यू समझ कंसर्न थे या सजेशन थे इस क्वेश्चन के हवाले से, तो आई होप कि आप मजीद हमारे दूसरे ग्रुप से उनसे भी हम मजीद सीखेंगे क्योंकि जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है। So thank you very much. Thank you. Thank you so much. Bahut shukriya.